दोस्तों वो कहते हैं ना, सच को आज काहे का, सच को आज किसी से नहीं होता, लाख सच को छुपा लिया जाए, लाख सच को सात दरवाजे के पीछे ढकेल दिया जाए, लेकिन उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। वो सच एक ना एक दिन लोगों के सामने आता है। वो सच आज साबित हुआ दोस्तों, और दुनिया ने भी देख लिया कि कैसे एक समुदाय के पीछे जुल्मो सतम किया गया, उसके पीछे पड़ दिया, पड़ा गया, और उसके दुकान मकान कारोबार सब पर आफत ला दिया गया। उन्हें अपना दुकान, अपना मकान, अपना कारोबार छोड़कर दूसरे जगह पलायन करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके दुकानों पर जय श्री राम के नारे लगा लगा कर दुकानों पर हमला किया गया, दुकानों को तोड़ा गया, लव जिहाद का एंगल बता दिया गया। लेकिन क्या आपको पता चला कि इस मामले में जो ढिंढोरा पीटा गया, जो प्राइम टाइम की सुर्खियां रही, वो मामला दरअसल लव जिहाद का था ही नहीं। ये बात खुद उस परिवार के लोगों ने कबूल किया है दोस्तों, और कबूल किया है कि कैसे जो है इस पूरे मामले में तमाम तरीके की चीजें और तमाम नेताओं का जो है इस मामले को बड़ा बनाकर, लव जिहाद का एंगल बनाकर कैसे मुसलमान को वहां से निकालने और भगाने की साजिश रची गई, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कैसे अत्याचार हो रहा था, कैसे उन तमाम मामले पर पर्दा डाला जा रहा था, मीडिया में सुर्खियां बटोरा जा रहा था, उस मामले में सच्चाई सामने आई है। दरअसल दोस्तों उत्तरकाशी के पुरोला में, जहां पर 26 मई को एक लड़की की कथित किडनैपिंग की कोशिश के बाद शहर में 3 हफ्ते तक तनाव रहा था, माहौल बद से बदतर हो गए थे। गांव के रहने वाले 35 से 40 मुस्लिम परिवारों में से ज्यादातर को अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ त्याग करके वहां से निकलना पड़ा, सब कुछ छोड़कर वहां से जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। उनकी दुकानों पर ताले लटक गए दोस्तों। शुरुआत से इस मामले को लव जिहाद बताया गया कि ये लव जिहाद का मामला है, क्योंकि उवैद एक लड़के का नाम था। पूरे राज्य से हिंदुत्ववादी संगठन और उनके नेता पुरोला आ रहे थे। हालांकि लड़की के मामा ने, जी हां, लड़की के मामा ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर खुलासा किया है और लव जिहाद की थ्योरी को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए केस को गलत दिशा में ले जा रहे थे। अब सवाल यह है कि किडनैपिंग की कोशिश से जुड़ी घटना इतना तूल कैसे पकड़ गया। अब सवाल यह है दोस्तों कि किडनैपिंग का मामला हो रहा था और यह मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, इंटरनेशनल तरीके से लोगों ने इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो जवाब है दोस्तों, केस से जुड़ी कई लव जिहाद की थ्योरी जो है, आरोपियों में से एक उबैद खान मुस्लिम समुदाय का था और इस वजह से इसको इतना ज्यादा मुद्दा बनाया गया। दूसरे आरोपी का नाम जितेंद्र सैनी है दोस्तों। उवैद का नाम आते ही इस केस को लव जिहाद का जो एंगल है वो देना शुरू कर दिया गया। सवाल ये भी है कि ये एंगल कहाँ से आया। इसकी पड़ताल के लिए जो है तमाम भास्कर की टीम पहुंची और इसका सच जो है लोगों के सामने लाकर रखा। बहुत अच्छी स्टोरी की है दोस्तों, और इस स्टोरी में कैसे बताया गया कि तमाम चीज़ें जो हैं बदनाम करने के लिए एक समुदाय को रची गई। दोस्तों 14 साल की लड़की किडनैपिंग की कोशिश का केस दर्ज होता है और उसे किडनैपिंग में जब भास्कर की टीम जो है पत्रकार जब वहाँ पहुँचते हैं पुरैला में, तो उसके मामा के घर पे पहुँचते हैं जहाँ पर वो लड़की, जी हाँ, अपने मामा के साथ रहती थी, अपने मामा मामी के घर में। सरकारी प्राइमरी जो है उसके टीचर हैं मामा, स्कूल के सरकारी प्राइमरी स्कूल के उसके मामा टीचर हैं, ये बात जो है वो सामने आई है। और जैसे ही ये टीम यहाँ पर पहुँची और घर पहुँचने से पहले लड़की के मामा जो है संतोष, जिनका नाम संतोष है, जो टीचर है, उनको कॉल किया गया, कहा कि हम मीडिया से हैं, उनसे बातचीत की गई मीडिया पत्रकारों की तरफ से और कहा गया कि आपसे बात करना चाहते हैं। तो जवाब मिला, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके मना करने के बावजूद जो है मामला का सच जानने के लिए पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। लड़की के मामा जो है दोस्तों संतोष, वो लड़की उन्हीं के साथ रहती थी, तो उस पूरे घर में जब एंट्री हुई पत्रकार की, जब बातचीत हुई, तो उनके मामा ने बात करने के लिए हामी भरी और उन्होंने कहा कि हमें जो बोलना होगा हम कोर्ट में बोलेंगे। फिर आगे संतोष कहते हैं, जो लड़की के मामा, कि 26 मई को अर्चना वाले केस के बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि मैं बाज़ार तक नहीं जा पा रहा हूँ। दिन भर मैं घर में रहता हूँ, दिन भर BCO कॉल आते हैं, इसलिए दूसरा सिम लेना पड़ा। कमरे में बंद रहता हूँ और बाहर से कुंडी लगा लेता हूँ। 26 मई को रोज़ की तरह मैं घर से स्कूल के लिए निकला था।
शाम 3 बजे स्कूल से घर लौट रहा था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस पूरे मामले में क्या कहानी है और कैसे जो है इस पूरे मामले को लव जिहाद का एंगल दिया गया है। ये खुद लड़की के मामा कहते हैं, कहते हैं कि मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में 3:00 कुछ पर पुरोला के मेन मार्केट में काम करने वाले आशीष चुनार ने कॉल करके बताया कि मेरी भांजी को 2 लड़के टेम्पो में बिठा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फौरन मेन मार्केट चल गया, वहां पर पहुंच गया। तब तक आशीष ने आवाज़ लगाकर दोनों लड़कों को, उबैद और जितेंद्र सैनी को रोकना चाहा, लेकिन दोनों वहां से भाग निकले। पुरोला जो है दोस्तों उत्तरकाशी में जो एक छोटा सा गांव है, वो छोटा सा शहर है, और उसी में उबैद और जितेंद्र को वो पहले से जानते थे। ऐसा नहीं था दोस्तों कि ये लोग नहीं जानते थे, एक दूसरे से चिन्हित नहीं थे, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे। उबैद और जितेंद्र लड़की के मामा लड़की को अच्छी तरीके से जानते थे, और जितेंद्र उबैद इन दोनों को जानते थे। इसके बाद वहाँ जैसे ही लड़की के मामा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, इसके बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, और फिर उस लड़की के जो मामा है उस लड़की को सीधे उबैद की दुकान पर लेकर के और पूछा दुकान पर जाकर कि उबैद को बुलाओ। करीब घंटे भर उबैद वहाँ पर आया, दुकान के बाहर जो है काफ़ी भीड़ लग गई। उबैद आया तो लड़की के मामा ने पूछा कि सच बताओ वहाँ क्या कर रहे थे, तो उबैद कुछ नहीं बोला और इधर उधर की बातें करने लगा। इसके बाद मामा संतोष ने पुलिस में शिकायत करने का फैसला लिया और पुलिस चौकी का रुख किया। पुलिस चौकी में लड़की के मामा और लड़की और दोनों आरोपी यानी कि उबैद और जितेंद्र, ये सब कोई मौजूद थे। जब पुलिस में उसके मामा अपनी भांजी को लेकर शिकायत दर्ज करवाने गए थे तो उबैद और जितेंद्र भी यहाँ पर मौजूद था दोस्तों। फिर लड़की के मामा कहते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कि हमने दोनों से कहा था कि सही बता दो क्या करने वाले थे, अपनी गलती मान लो और सॉरी बोलकर मामला ख़त्म कर दो। तो फिर दोस्तों उबैद के मामा कहते हैं कि उबैद जो है और वो दोनों लड़के वहाँ पर अकड़ दिखाते हैं, बोले कि आप देख लेना क्या होता है। संतोष ने तभी फैसला किया कि पुलिस से लिखित शिकायत करनी है। भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई इस मामले को देखते हुए। इसमें कुछ स्थानीय हिंदुत्ववादी नेता जो है वो आ गए, वो शामिल हो गए और वो अपनी राजनीति जो है यहाँ से चमकाना शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोगों ने एक शिकायत पत्र लिखा। संतोष बताते हैं कि लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिखकर थानेदार को दी उनमें मनगढ़ंत कहानी थी, कई मनगढ़ंत बातें जो है उस लेटर में जो पुलिस को गांव वालों की तरफ से दिया गया वो सब कुछ झूठा था। उसमें बहुत सारी बातें झूठी थी, जैसे कि लव जिहाद का मामला, लव जिहाद का जिक्र किया गया था। मैंने ये लेटर पढ़ा तो फाड़ कर फेंक दिया। इस लेटर में लिख दिया गया था कि मेरी भांजी को बहला फुसलाकर उबैद बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, लव जिहाद के जरिए देह व्यापार कराने की साजिश करना चाहता था। इसके बाद मैंने जो कहा वो सच सच लिखकर शिकायत खुद थानेदार साहब को दिया, सब कुछ सच बताया। पुलिस ने 26 मई की शाम को दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया। संतोष उसके बाद भांजी को लेकर घर आ गए, लेकिन शाम होते होते लोकल मीडिया ने किडनैपिंग के इस केस को लव जिहाद का रंग दे दिया, लव जिहाद का एंगल बता दिया, क्योंकि नाम उबैद था। लड़की के मामा कहते हैं कि मैं इस मुद्दे को भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए एक बार भी किसी प्रदर्शन या रैली में शामिल नहीं हुआ, कहीं पर नहीं गया। लड़की के मामा ने आरोप लगाया कि पुरोला व्यापारी संघ ने अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को सियासी बना दिया और इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया। लड़की के मामा आगे कहते हैं कि 27 मई को मामले की चर्चा पूरे उत्तराखंड में फैल गई। मुझे लग गया था कि अब लोग अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मुद्दे को गलत दिशा में ले जाएंगे। मैं उसी दिन थाने गया और थानेदार से कहा कि ये मुझे ज़्यादा ही बड़ा मामला लग रहा है, ये मामला ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या इसकी FIR का होल्ड किया जा सकता है? तो थानेदार ने साफ कह दिया कि थाने में उबैद मेरे पैर पर गिरकर माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये सब कुछ हुआ दोस्तों। उबैद ने अपनी गलती भी मान ली कि उनसे गलती हुई है, लड़की के मामा के पैर पर जाकर गिरकर रोने भी लगा, लेकिन लड़की के मामा कहते हैं कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। 27 मई को लड़की के मामा पुरोला में किसी भी रैली सभा में प्रदर्शन में कहीं भी शामिल नहीं हुए। 29 मई को पुरोला में व्यापारी संघ ने एक रैली निकाली। इसी रैली के दौरान मुस्लिमों के घर के बाहर नारेबाजी की गई और पुरोला छोड़ने की धमकी दी गई। रैली मेन मार्केट पहुंची तो उपद्रव शुरू हो गया और मुस्लिम व्यापारियों की दुकान के बाहर लगे होर्डिंग्स को फाड़ना शुरू कर दिया गया। 29 मई को के बाद पुरोला के आसपास के गांव कस्बे बरकोट नौगांव आराकोट मैरोली में भी रैली का प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन लड़की के मामा संतोष जो हैं वो हर प्रदर्शन से दूर रहे।
आप सोचिए दोस्तों कि कैसे एंगल दिया गया, कैसे खबरों को बदल दिया गया, कैसे खबरों को उबैद नाम सुनते ही एक धार्मिक एंगल देकर पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर दी गई। हालांकि दोस्तों लड़की के मामा बार बार कह रहे हैं कि ये मामला बहुत छोटा सा था, ये मामला आपसी था, हम इसे सुलझा लेते, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ संगठनों ने आकर यहाँ पर आग में घी डालने का काम किया। अब आप सोचिए दोस्तों कि एक नाम सुनकर इन लोगों का कितने दिनों तक प्रदर्शन हुआ, कितने दिनों तक हंगामा हुआ, मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया गया और सरकार जिया पुष्कर धामी सरकार का जो बयान है वो खुद का आ जाता है कि बाहर से जो है जिहादी वो आकर यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं दोस्तों। और सबसे कमाल की बात, हमारे मीडिया में ऐसे चैनल्स में जो है ऐसे खबर को दिखाया जा रहा था और कहा जा रहा था कब तक लव जिहाद, कब तक लव जिहाद, जबकि लव जिहाद का कोई मामला ही नहीं है। बार बार वहाँ की मीडिया जो है, लोकल मीडिया जो वहाँ के रिपोर्टर है, जो सच्चे पत्रकार है, वो ये कह रहे थे कि लड़की का जो सैनी है उसके साथ अफेयर था, लेकिन फिर भी उवैद नाम सुनकर कुछ नफरती संगठन के लोग और कुछ नफरती चैनल ने, जैसे कि सुदर्शन का मैं नाम लूंगी दोस्तों, उसने तो पूरे मामले को लव जिहाद बता बता कर पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। क्या पुलिस को ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ना नहीं चाहिए? क्या पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि बिना सोचे समझे एक मामले को धार्मिक एंगल देकर तमाम मुसलमानों को जो है इस कचघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जहां से उनको अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान छोड़कर पलायन करना पड़ता है। सोचिए कितनी ज़्यादा पीड़ादायक है ये मामला, कितनी ज़्यादा दुखदाई है एक खबर के चलते किस तरीके से उस पूरे माहौल को बदल दिया गया, पूरे माहौल में कैसे जो है अशांति फैला दी गई। तो ऐसे लोगों को दोस्तों, जी हाँ, ऐसे नफरती चिंटुओं को, नफरती संगियों को तमाचा जो है वो कोर्ट और पुलिस दोनों तरफ से लगनी चाहिए। और आज देखिए सच कैसे जीत गया, कैसे मुसलमानों की उत्तरकाशी के अंदर बहुत बड़ी जीत हुई जिसे जिहादी बताकर वहां से निकाला जा रहा था। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।